तो आज की हमारी क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर वर्किंग प्रोफेशनल और आज हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग ट्रिक्स के ऊपर। फॉर्मेटिंग ट्रिक्स के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब बोलेंगे सर फॉर्मेटिंग ट्रिक्स ही क्यों आज की क्लास में, तो क्या होता है कि जब भी हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं तो उसका सबसे ज्यादा बेस क्या होता है, बेस हमारा फॉर्मेट होता है। अब मान लीजिए फाइल मेनू बार में जाएं और यहाँ पे आपको बहुत सारे रिपोर्ट जैसे दिखेंगे, एक मिनट न्यू में आते हैं, तो बहुत सारे टेम्पलेट आपको दिख रहा है। ये टेम्पलेट का बेस क्या है, इसका बेस आपको इसका फॉर्मेटिंग ही तो है क्या, चार्ट लगा हुआ है, फॉर्मूले लगा हुआ है, लेकिन ये सब कहाँ लगा है, एक फॉर्मेटेड एरिया में लगा है ना। सो फॉर्मेटिंग इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। तो फॉर्मेटिंग में आपको मैं नहीं बताऊंगा कि आपको कलर कैसे करते हैं, बॉर्डर कैसे करते हैं, ये चीजें नहीं बताऊंगा क्योंकि ये नॉर्मल सी चीजें हैं, आपको पता होगी। क्या लगी कान जी, पता है ना आपको? हाँ सर पता है सर। ये अंकित जी आपको पता है? हाँ सर। तो इसलिए हम बताएंगे कि आपको कुछ ट्रिक्स, चलिए उसी ट्रिक्स के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। जैसे यहां पे मैंने टेंथ लिखा और टी एच ऊपर, अब मैं पेज डबल क्लिक कर, अब इसमें क्या होता है, अगर इसको वर्ड में आप लिखते हैं तो क्या होता है टी एच ऊपर चला जाता है। मैं करके दिखाता हूं, यहां पे टेंथ लिया चला गया, उसके बाद मैं 25th एन डी, तो ये इस तरह से ऊपर चला जाता है। सर हाँ सर। ये एक्सेल में जाता नहीं है लेकिन हमें कभी कभी इसकी जरूरत पड़ जाती है तो क्या करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल पे जाते हैं, यहां आपको सुपर स्किप दिखेगा। क्या दिखेगा? सुपर स्किप। सुपर स्किप कर दीजिए तो टी एच ऊपर चला जाएगा। एक बार बताता हूं, मैं एन डबल क्लिक किया, एन डी को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, सुपर स्किप। अब यहां से हम 10 डिग्री लिखना है तो स्मॉल ओ किया, अब मैं स्मॉल ओ को सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, सुपर स्किप। अरे छोटी सी चीज है बट इसमें हम ट्रिक्स की बात कर रहे हैं, इतना सिंगल है। अब 10 डिग्री की बात करें तो मेरे पास यहां पे बहुत सारे नंबर्स हैं, राइट सर? मुझे हर नंबर के ऊपर ये करना है, डिग्री लगाना है, तो स्मॉल में ओ लिखेंगे और इसके ऊपर सेलेक्ट करके राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और इससे हम सुपर स्किप करते हैं तो क्या होगा, 85 डिग्री हो जाएगा ना सर यहाँ पे। लेकिन एक एक करना पड़ जाएगा, तो यहाँ पे हम ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हम स्मॉल ओ एक अलग कॉलर में रख देते हैं, उस कॉलम को छोटा करते हैं और यहां पे लेफ्ट और टॉप कर देता हूं, राइट क्लिक करके वापस फॉर्मेट सेल में आता हूं और यहां मैं सुपर स्किप्ट कर देता हूं, देन ओके। फिर इन दोनों को सिलेक्ट किया, फॉर्मेट सेल में चला गया और यहां बॉर्डर पे आया। बीच वाला नहीं, साइड लगाया था, बीच वाला बॉर्डर जो होता है ये नहीं लगाइएगा। अभी एक काम और करेंगे, पेज लेआउट में ग्रिड लाइन व्यू है उसको अनचेक कर दीजिए। अब बिल्कुल डिग्री की तरह लग रहा है ना सर, इसको छलावा कर सकते हैं, तो आप इस तरह की चीजें भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
ओके सर। हेलो सर, ये कैसे किया सर? आपने मार्च कर दिया क्या सर? नहीं, मार्च नहीं किया मैंने। मैं दोबारा बताऊं सर? हाँ सर, प्लीज सर दोबारा बताइए। ध्यान से देखिएगा, हमने कुछ नंबर्स लिखे और अगले कॉलम में ओ लिख दिया। ओ को नीचे की तरफ ड्रैग किया, कॉलम को छोटा किया, फिर अलाइनमेंट में हम इसको टॉप और सेंटर लेफ्ट कर देता हूँ। फिर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे गया और हमने इसको फॉन्ट में सुपर स्क्रिप्ट कर दिया। अभी अलग अलग कॉलम में दिख रहा है। फिर हमने इन दोनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल के बॉर्डर्स में चला गया। बॉर्डर्स में हमने सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, देन ओके। सर बॉर्डर पे क्या किया सर आपने? बॉर्डर पे हमने सारा बॉर्डर दिया, यहाँ से बॉर्डर चूज किया मैंने। हाँ सर, बीच का जो बॉर्डर होता है ना, ये नहीं चूज किया, ध्यान रखिएगा, इसको नहीं करना। अच्छा, उसके बाद पेज लेआउट पे जाइए और ग्रिड लाइन को हटा दीजिए यहाँ से। कौन सा लाइन सर? दिख नहीं रहा है। ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन। अच्छा, ग्रिड लाइन। हाँ सर, ठीक है, ठीक है सर। तो दिख रहा है 10 डिग्री के तो? मतलब ये अलग सेल में है, ये इकट्ठा नहीं है, अलग अलग सेल में है। बट मैंने सिर्फ विजिबिलिटी तैयार कर दिया है कि दिख रहा है एक ही सेल में हो। हाँ सर। अगले इसमें और बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए कोई आपको मेल वगैरह करता है, किसने मेल किया, और आपने उस मान लीजिए मैं इसमें कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ। अभी तो हमारा टेक्स्ट तो एक सेल पे आएगा नहीं, इसलिए हमने एक एरिया को सेलेक्ट किया और यहाँ मर्ज कर दिया। डबल क्लिक करके मैं इसे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखा, हमने डायरेक्ट पेस्ट करूंगा तो नहीं लेगा, मर्ज सेल पे कहीं से भी डायरेक्ट पेस्ट करेंगे तो नहीं होगा, कहीं और हो जाता है, बट मर्ज पे नहीं होता। तो कैसे होगा मर्ज पे? उस पर डबल क्लिक करके कर्सर को एक्टिव कीजिए, मतलब एंटर मोड में, एडिट मोड में लाइए, देन पेस्ट कीजिए और फिर एंटर मारिए। बट सही से नहीं दिख रहा, तो इसको मैं यहाँ से रैप कर दूंगा, लेफ्ट अप या सेंटर जहां करना कर दिए। अब इसमें जैसे यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट जो है, ये रिक्वेस्ट गलत है, मान लीजिए इसको गलत करना है, तो मुझे शो करना है कि गलत टाइप किया गया है या गलत या नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गया और स्ट्राइक, यहाँ पे देखिए ऊपर स्ट्राइक थ्रू है, इस स्ट्राइक थ्रू को कर दिया एंड ओके किया। तो देखिए स्ट्राइक थ्रू कट गया। हाँ ठीक है सर, विदाउट इसमें। लेकिन यही चीज अगर मैं नंबर पे करूं, मेरे पास कई सारे नंबर्स लिखे हैं, अगर इसी चीज को मैं नंबर पे करूंगा तो दिक्कत होगा। थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए सर, मतलब दिख नहीं रहा है। हाँ नंबर पे करना है तो राइट क्लिक करके अगर मैं फॉर्मेट सेल पे गया और इस पे मैंने अगर स्ट्राइक थ्रू कर दिया तो उतना एरिया भी अच्छा ही लग रहा है ना सर, उतना ही पता नहीं चल रहा है ना कटा हुआ है। हाँ सर। अब इसको प्रिंट आउट निकालते और आपको देते तो आप पेन से क्या करते, इस तरह का साइन लगा कर सर। ये तो मेरे पास जूम ऐप का सेटिंग है, इसलिए कर लिया, बट एक्सेल में कैसे करें? तो एक्सेल में करने के लिए हम यूज करेंगे बॉर्डर को। राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट से लेके जाते हैं बॉर्डर, और यहां से कलर चेंज करना चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो, रेड ले लिया। अब मैं मोटा पतला जो भी बॉर्डर है मैंने इसको लिया और यहां से इसको लिया, दोनों कॉर्नर वाले को लिया, हो गया। और F4 हम प्रेस करते हैं। F4 क्या होता है? F4 होता है कि रिपीट करता है, लास्ट एक्शन को रिपीट करता है, जो भी आपका लास्ट एक्शन है उसको रिपीट कर देगा। ओके सर, इसका क्या सर? XL ना सर, शॉर्टकट।
F4 F4 अच्छा सर अच्छा ओके और सही का निशान लगाना हो तो क्या करेंगे, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल और यहां से हमने कलर चेंज कर देता हूं। आई नो हो गया, लेकिन इसके बिहाफ से ऐसा नहीं है कि आप कोई ये कर सकते हो। ऐसा नहीं कि इसके बिहाफ पे आप कुछ कंडीशन या फिल्टर वगैरह अप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए आपको इकट्ठा करना है फिल्टर लगा के क्रॉस वाले या ओके वाले, नहीं कर सकते क्योंकि फॉर्मेटिंग को कोई भी फॉर्मूला रीड नहीं करता है। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जिसमें हम कंडीशन लगा सकें, तो इसके बगल वाले कॉलम में हम पी लिखेंगे ओके। और पी के ऊपर हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करते हैं फॉर्मेट सेल, या फिर यहां से भी कर सकते हैं, बाइंडिंग टू नाम का फॉन्ट होता है, बाइंडिंग टू नाम का, ठीक है। तो क्या करता है, इस तरह से कर देता है, कैप्स में पी लिखते हैं इसको हो जाएगा, और कैप्स में अगर ओ लिखते हैं तो आएगा। और लिखने से कैंसिल आएगा और लिखने से सजाए। अब क्वेश्चन ही आता है कि अगर आपको ऐसा लगा कि फॉन्ट आपके पास नहीं है, अंकित जी समझ में आ रही है आपको सर? हाँ सर कंप्लीटली। चुप चुप है, कुछ पूछ नहीं रहा है इसलिए सर। नहीं नहीं सर, सब कुछ आ रहा है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो शायद। अगर मान लीजिए ये फॉन्ट जो है आपका, जो हमने बाइंडिंग टू का फॉन्ट लगाया, ये बाइंडिंग टू का फॉन्ट अगर ना हो तो क्या करेंगे? तो उस केस में हम यहां पे कैप्स में जे डालेंगे और इस जे को हम यहां अलाइनमेंट में आएंगे और यहां -45 डिग्री के एंगल पे इसको रोटेट कर देंगे। जी हाँ, 45 डिग्री माइनस। हो गया सर? हाँ सर। डाउट इसमें? नो सर, तो फॉल्स के लिए हम लोग छोटा एक्स यूज कर सकते हैं इन शॉर्ट। हाँ आप कॉस्ट के लिए एक्स यूज करें। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या हम अलाइनमेंट का यही यूज कर सकते हैं? एक और एग्जांपल हम आपको समझाते हैं, उसके लिए मुझे यहाँ पे नेम दे देता हूँ और डेट 9 सितंबर का डेट डाल देता हूँ मैं, और आगे तक ड्रैग कर दिया। अब देखिए कुछ डेट नहीं दिख रहा है, तो मैं पूरे सीट को सिलेक्ट करता हूँ और ऊपर किसी भी कॉलम के आगे मैं डबल क्लिक करता हूं तो ऑटो फिट हो जाता है। कुछ नाम डाल देता हूं और इसी को रिपीट कर देता हूं। अब मुझे इसको प्रिंट करना है। अब मैं इसको प्रिंट करने के लिए प्रिंट व्यू देखता हूं, तो इसमें देख रहे हैं कि आपको 10 सितंबर तक ही आ रहा है। अच्छा, अब मैं इसमें ये काम कर देता हूं कि मैं इसकी पोर्ट्रेट की जगह पे लैंडस्केप कर दिया तो 13 तक आ गया, मार्जिन नॉर्मल की जगह पे नैरो कर दिया तो 14 तक आ गया, बट पूरा नहीं आ रहा है। तो मुझे इसकी प्रिंट की साइज को छोट करना पड़ेगा। अगर प्रिंट की साइज को छोट करता हूं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा फर्क?
क्योंकि साइज छोटा हो जाएगा, रीडेबल नहीं होगा। तो मैं जैसे देख पा रहा हूँ कि मेरा सिर्फ हेडिंग बड़ा है, डेटा छोटा ही है, डेटा हमारा छोटा ही है, सिर्फ हमारा हेडिंग बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, राइट राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और मैं यहाँ अलाइनमेंट पे जाकर करूँ या ऊपर यहाँ भी कर सकता हूँ रोटेट। इसको मैंने रोटेट टेक्स्ट अप कर दिया, ये ऊपर की तरफ रोटेट हो गया। अच्छा, अब मैं डबल क्लिक कर देता हूँ इसके, ये ऑटो फिट हो जाएगा। अच्छा, अब एक देखिए एक पेज का प्रिंट आ जाएगा आपका, आसानी से जगह भी बच गया। सर कभी कभी इसमें मुझे दिक्कत होता है, कभी कभी क्या होता है मतलब एक्सेल में बहुत सारा वो आ जाता है मतलब पेज में, तो उसको प्रिंट लेना बहुत दिक्कत आ जाता है। देखिए सिंपल सी बात समझ लीजिए कि पेज की साइज छोटा है, तो आप अगर प्रिंट करते हैं, आप ज्यादा टेक्स्ट डालेंगे तो प्रिंट जाहिर सी बात नहीं होगी ना सर। हाँ सर, तो प्रिंट करने का एक पर्टिकुलर ए है। उस केस में क्या करना चाहिए सर? उसी तो बता रहा हूँ आपको, उस केस में आपको यहाँ से अपना पेज लेआउट में जाके अपना स्केलिंग को कम कीजिए, यहाँ पे फिट कर दीजिए प्रिंट वन पेज में हो, उसे क्या होगा छोटा हो जाएगा आपका ना सर, प्रॉब्लम यही पे कि प्रिंट छोटा हो जाएगा। अच्छा ओके हाँ ठीक है। चलिए आगे बढ़े। सर मेरा मेरे पास एक एक्सेल शीट है सर, मैं आपको भेज दूंगा। तो जब आपको पेज सेटअप पढ़ाऊंगा ना तो चीज आप पूछ लीजिएगा, ठीक है सर? हाँ सर, वो आप एक बार दिखा देना सर, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग है सर, मैंने बहुत बार ट्राई किया। तो सिंपल सी बात है, ऐसा है, कितने कॉलम है, कितने नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं? करीबन ऐसे होगा सर, मतलब 40 से अबव होगा सर। सर कैसे आएगा एक पेज पे प्रिंट, छोटा 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 दिखेगा? हाँ वो लेंस लगा के पढ़ना पड़ जाएगा फिर। हाँ सर, तो उसको मैंने किया तो उसको करीबन 10 पेज में लाया था सर, तो उससे क्या होता है पेज जरा ज्यादा चल रहा है सर, इसीलिए। अब सर सिंपल सी बात है ना कि सर पेज का एक A4 साइज का पेज है, उसका लिमिट है ना कि उसमें कितने वर्ड दिखाएंगे। हाँ सर, हाँ सर, उसको पेज को लंबा के छोटा बड़ा थोड़ी कर सकते हैं आप। हाँ सर, हाँ हाँ हाँ, तो वो फिक्स है। अगर देखिए जनरली जो है आपका 20 या 25 तक आ जाता है, 25 से ऊपर है तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, 30 तक, उससे ज्यादा है तो मुश्किल होता है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं यहाँ रैप टैक्स की। जैसे मैंने यहाँ पे सुजीत एंड कुमार लिख दिया, राइट। अब यहाँ पे कॉलम से बाहर गया तो हम जनरली मर्ज कर लेते हैं। अब मर्ज कर रहे हैं तो हम लोग कभी कभी क्या होता है कि मर्ज अपने अकॉर्डिंग करना होता है, क्योंकि ये जो मर्ज हुआ वो कॉलम की साइज, टेक्स्ट, स्पेस सबको ध्यान में रख के होता है, लेकिन मुझे अपने हिसाब से करना है तो मैं इसको ऑल्ट एंटर से कर सकता हूँ। ऑल्ट एंटर, देखिए ऑल्ट एंटर इस तरह से, तो टाइप करते समय जहां से तोड़ना है आप ऑल्ट प्लस एंटर कीजिए, टूट के नीचे आ जाएगा। अच्छा, लेकिन जब आप रैप करते हैं तो आपका कॉलम बड़ा होता है, ठीक है, कॉलम बड़ा, तो रो बड़ा हो जाता है, और आप डबल क्लिक करके ऑटो फिट करते हैं तो कॉलम बड़ा हो जाता है। तो मैं चाहता हूं कि ना मेरा रो बड़ा हो ना मेरा कॉलम बड़ा हो, मेरा जितना बड़ा कॉलम का साइज है मेरा डेटा उतने एरिया में फिक्स हो जाए। तो राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल, यहां होता है श्रिंक टू फिट, दिखा आपको श्रिंक टू फिट, इस श्रिंक टू फिट पे क्लिक किया एंड ओके किया, तो डेटा हमारा इस तरह से छोटा हो गया। क्लियर है? अब मर्ज की बात करें तो सिलेक्ट करके यहां से मर्ज कर सकते हो, एक सेल बन जाएगा, लेकिन इसी में होता है कि मर्ज अक्रॉस, मर्ज अक्रॉस करेंगे तो वन बाय वन इस तरह से मर्ज होगा, मतलब सिर्फ कॉलम मर्ज होगा, रो मर्ज नहीं होगा। अच्छा अच्छा अब
हम बात करते हैं नंबर फॉर्मेटिंग की। नंबर फॉर्मेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक्सेल में फॉर्मेट मामले में। तो जैसे जनरल सिलेक्शन मतलब जैसा टाइप करोगे उस तरह का नंबर आएगा, ठीक है। अकाउंट नंबर की बात करें तो यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस 1000 सेपरेटर डाल सकते हो, और यहाँ पे नेगेटिव, अगर आप नेगेटिव में टाइप करते हो तो आपका नंबर कैसा है, अगर आप पॉजिटिव में है तो कैसा है, ये डिसाइड कर सकते हैं आप। तो क्या क्या है चलिए बताता हूँ आपको। अच्छा तो इसमें आपका यहाँ दिख रहा होगा माइनस, तो जैसे आप यहाँ पे क्या है कि अगर माइनस का सिंबल हुआ तो माइनस में आएगा, लेकिन अगर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये माइनस में नहीं आ पाएगा, ये क्या होगा माइनस की जगह पे कलर रेड कर देगा। बट आपका एक्चुअल में माइनस ही रहेगा, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ब्रैकेट लगा देगा, ये ब्रैकेट के साथ रेड कर देगा। करेंसी में बाकी सब है, यहाँ पे करेंसी का सिंबल डाल लीजिए या करेंसी कोड डाल दीजिए प्रीव्यू के लिए। अकाउंटिंग में सिर्फ करेंसी कोड होता है, अकाउंटिंग का एक यूज करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा डेटा बनाता हूँ, तो यहाँ पे हमने कुछ डेटा हमारा है, तो आप देखेंगे कुछ डेटा जीरो है, तो मैं जीरो को थोड़ा सा अलग आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। राइट क्लिक किया, फॉर्मेट सेल पे गए और यहाँ हम अकाउंटिंग पे आते हैं और यहाँ पे इसको नन कर देते हैं, सिंबल को नन कर दिया, जीरो कर दिया, डायलॉग दिख गया सर। लेकिन एक्चुअली में जीरो नहीं हुआ है, विजिबल चेंज हुआ है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि कोई भी फॉर्मेटिंग ओरिजिनलिटी को चेंज नहीं करता, जस्ट विजिबिलिटी को चेंज करता है, जो विजिबल है उसको चेंज करता है, ओरिजिनल को कभी भी चेंज नहीं करता है, समझ गए। अच्छा इसका आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या क्या है, इसमें आपके पास आप परसेंटेज है, डेट है, सॉरी डेट, जैसा डेट आप डालते हैं जो सिलेक्ट कीजिए डाल लीजिए। यहाँ पे अलग अलग कंट्रीज है, क्योंकि अलग अलग कंट्री की डेट फॉर्मेट अलग अलग होती है, यहाँ पे कंट्री दिया हुआ, ठीक है। टाइम आपका अलग कंट्री का अलग टाइम है, लेकिन टाइम में ध्यान रखिएगा कि अगर किसी का ओवर टाइम आपने कैलकुलेट किया 35 और यहाँ पे मैंने ये कर दिया 24 सेकेंड, नहीं होता ना 47 कर दिया, 60 नहीं होता 59 तक जाता है। अब गलती से ये जनरल फॉर्मेट हो गया। अब टाइम फॉर्मेट में लाने के लिए अगर आपने टाइम में ऊपर कोई यूज किया से इसको यूज कर लिया, तो देखिए 11 दिख रहा है आपको, तो कल भी 24 आवर्स ऊपर नहीं जाएगा, तो उस केस में हमेशा ये यहाँ वाला 37 30 55 ही सिलेक्ट करेंगे आप, बाकी परसेंटेज तो नॉर्मल परसेंटेज क्लिक करते वही होता है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पे 2.5 दिया तो मैं फ्रैक्शन में गया, वहां पे 1.2 कर दिया, आ गया सर। हाँ सर, अब बात करते हैं कि मैं यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मूला डालता हूं, जैसे मेरा चेक नंबर डालना है तो चेक नंबर 0 होता है, 0000000 हमने किया तो एंटर मारा, 0 से एप्ट नहीं, तो बताते हैं 00 डालते हैं तो यहाँ एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा तो अब मैं मुझे पूरे कॉलम में चेक नंबर डालना है तो हर बार सिंगल कोड डालना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि हम यहाँ पे इसको टेक्स्ट सेलेक्ट कर लें। जब टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे आप 00 डालिए, एंटर मारिए, 00 कीजिए, एंटर मारिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।
लेकिन अगर किसी ने आपको चेक नंबर जो दिया, अब यहाँ पे फॉर्मूला भी, यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला भी आप लगाते हैं तो फॉर्मूला आपका लग तो जाएगा बट परफॉर्म ना करेगा। नहीं किया परफॉर्म, तो अब क्या करते हैं इसमें कि अगर किसी ने आपको चेक नंबर लिख के दे दिया गलत, अब मुझे इसमें 6 डिजिट मेंटेन करना है, इसे 0 नहीं लगाया हुआ है, तो राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल पे जाइए, कस्टम पे आइए और यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं होता, ये होता ना सर, 6 होता ना, मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर +91 लगाते हैं तो +91 नहीं लगता। मैं जब +91 ले ले तो क्या करेंगे कि यहां पे कस्टम फॉर्मेट में जाइए और यहां पे +91 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम 0 डाल दीजिए एंड ओके। अब यहाँ पे आ गया सर, हाँ सर, तो अभी आप ले लिया कि जो कस्टम फॉर्मेटिंग है ये हमारा अगला टॉपिक है, ये थोड़ा सा एडवांस है तो इसको हम आपको कल बताएंगे, फिलहाल जो मैंने चीजें बताई है उस पर आप प्रैक्टिस करें, है सर, फिलहाल जो चीजें बताई है उस पर प्रैक्टिस करें, कोई डाउट हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। हाँ ओके ओके अंकित जी, ठीक है, हाँ जी, आज की जो क्लास की रिकॉर्डिंग है मैं थोड़ी देर में आपको लिंक जनरेट करके भेज देता हूँ। थैंक यू सर, आप व्हाट्सएप में भेज दोगे सर? व्हाट्सएप में भेज दूंगा, हाँ सर, ठीक है, थैंक यू सर, ओके सर, थैंक यू, ओके बाय बाय सर।